Hi friends, wishing you a very happy good morning. Just now we have solved your CBSE textbook questions. These were very easy, simple and straight questions. Now today I am moving to the little harder question so that you can practice a lot, right? And you can solve with your ease also. So my first question is subtract 18/11 from 1, right? Simple subtraction, rational numbers ka, multiplication, division, distributive property, commutative property, associative property, humne bahut sare questions kiye. Abhi hum thoda sa unka level jo hai wo badhayenge, right? To yahan par question hai subtract this from 1. From hai, from what is the meaning of the from? We need to take the second term as first term, right? So how we will solve? 1 minus, because we need to subtract another number jo ki first place pe diya hua hai, means 1 mein se hum ise subtract karenge. Now this is not a rational number, so I will put 1 in the denominator. Now my question is minus minus is plus, 18/11. Now we will take LCM. 1 and 11 ka LCM kya aayega? 11. 1 11 is 11, so here we will get 1 into 11. 11 1 is 11, so we will get 18 into 1, right? 11 plus 18 upon 11 means your final answer is 29/11. Yahan par question is very simple, but you need to know the meaning of from. From jahan bhi aayega, we will write second term as a first term. And जो भी क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट का है तो लाइक सब्ट्रैक्ट का माइनस आ जाएगा, देन फर्स्ट टर्म विल शिफ्ट टू द सेकेंड टर्म, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन सेम पैटर्न का, सब्ट्रैक्ट -13/9 फ्रॉम 0, ठीक है? अगेन हियर इट इज अ फ्रॉम, सो विल राइट 0 माइनस -13/9. 0 minus minus is plus 13/9. Now I am not putting 1 in the denominator because there is no need to put the denominator, it is a 0. 0 jis bhi number mein add hoga, to answer will be number itself. So yahan par hame LCM lena ya denominator mein 1 put karne ki zarurat नहीं है, ठीक है? इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आएंगे, मैथ्स ओलंपियाड में आ सकते हैं, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे इस लेवल का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आएंगे, तो आपको झट से आंसर देना आना चाहिए, राइट? थर्ड इज -32/13, सब में हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -6/5, ठीक है? What we'll do? We'll put second term as first. So this is my second term. Minus. This minus is for subtraction. Now first term. यहाँ पर बहुत सारे minus हैं, तो हम सबको bracket में लिखेंगे, जिससे कोई भी mistake ना हो, ठीक है? -6/5. Now minus minus will give you plus 32/13. Now we'll take the LCM. The LCM of 5 and 13 is 65, ठीक है? क्या आएगा यहाँ पर? 65. 5 13s are 65. So here we will get -6 into 13. 13 5s are 65. So here it is 32 into 5. Now this is -78 plus this is equivalent to 160 whole upon 65. को हम सॉल्व करेंगे, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, तो माइनस प्लस इज माइनस, वी विल गेट पॉजिटिव 82 बिकॉज 160 इज अ ग्रेटर नंबर. या गया, अब ये अगर कैंसिल हो रहा है आगे, तो इसे हम कैंसिल करेंगे, अदरवाइज दिस विल बी योर आंसर, ठीक है? सो ये क्वेश्चन क्या था? तीनों क्वेश्चन जो हमने लिए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम. फ्रॉम जब भी होगा तो हम सेकेंड टर्म पहले लिखेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे माइनस आ रहे हैं, तो हम सारी टर्म्स को ब्रैकेट में लिखें, और बीच में जो हमारा रहेगा वो क्वेश्चन का साइन रहेगा, सब्ट्रैक्ट वाला, राइट? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज
माइनस एट अपॉन थ्री प्लस माइनस वन अपॉन फोर प्लस माइनस इलेवन अपॉन सिक्स प्लस थ्री अपॉन एट. एंड द क्वेश्चन इज यूजिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. यहाँ पर स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सारे टर्म्स का एलसीएम लेके एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज क्लियरली मेंशन कि आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है एंड अरेंजमेंट जो है वो सुटेबल होना चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, राइट. और वैसे भी चारों टर्म का इकट्ठा एलसीएम लेके सॉल्व करने से माइट बी इट वुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, फाइन. तो व्हाट विल डू, ये थ्री एंड सिक्स एलसीएम इनका क्या होगा, द एलसीएम ऑफ थ्री एंड सिक्स इज सिक्स, तो इजी हो जाएगा. इन द सेम वे फोर एंड एट, द एलसीएम ऑफ फोर एंड एट इज एट. तो हम कौन कौन सी टर्म का कॉम्बिनेशन लेंगे, इनका एंड इनका, माइनस एट बाय थ्री प्लस माइनस इलेवन बाय सिक्स. आई हैव अरेंज दिस टू टर्म, प्लस माइनस वन बाय फोर प्लस थ्री बाय एट, फाइन. अब ये हमने अरेंजमेंट कर ली, अब हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप. द एलसीएम ऑफ थ्री एंड सिक्स इज सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, माइनस एट इंटू टू प्लस सिक्स वन जा सिक्स, सो माइनस इलेवन इंटू वन प्लस सिमिलरली एट, फोर टू जा एट, सो हेयर वी विल गेट माइनस वन इंटू टू, एट वन जा एट, थ्री इंटू वन. जब भी आप ब्रैकेट्स लगाएंगे तो सिली मिस्टेक्स होने के चांस जो है वो कम हो जाएंगे. माइनस एट इंटू टू इज माइनस सिक्सटीन प्लस इट इज माइनस इलेवन अपॉन सिक्स प्लस माइनस टू प्लस थ्री अपॉन एट, फाइन. नाउ माइनस सिक्सटीन एंड द ब्रैकेट विल बी ओपन, तो इट विल गिव यू प्लस माइनस इज माइनस. माइनस सिक्सटीन माइनस इलेवन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन एट. वाई वन, बिकॉज दिस इज प्लस थ्री एंड माइनस टू, बड़े नंबर का साइन आता है, ग्रेटर नंबर का जो भी साइन है, इसलिए ये प्लस वन बाय एट. माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्स प्लस वन बाय एट. नाउ विल टेक द एलसीएम ऑफ दिस टू टर्म, मीन्स हमारे पास फोर टर्म थी, नाउ इट इज कन्वर्टेड इंटू टू रैशनल नंबर्स, टू टर्म्स में कन्वर्ट हो गया. अब हम इनका एलसीएम लेंगे, द एलसीएम ऑफ सिक्स एंड एट इज एग्जैक्टली ट्वेंटी फोर. सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सेवन इंटू फोर प्लस एट थ्री जा ट्वेंटी फोर. यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई मैं अभी बताऊंगी आपको. सो इट विल गिव माइनस ट्वेंटी सेवन इंटू फोर इज इक्वल एन टू माइनस वन जीरो एट प्लस थ्री अपॉन ट्वेंटी फोर माइनस वन जीरो फाइव अपॉन ट्वेंटी फोर. वाई माइनस वन जीरो फाइव, बिकॉज द ग्रेटर नंबर हैज नेगेटिव साइन, सो आंसर विल बी इन नेगेटिव. अभी ये कट डाउन हो रहा है, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर एंड थ्री थर्टी फाइव जा वन जीरो फाइव, सो योर फाइनल आंसर इज दिस, फाइन. अब यहां पर हमने सूटेबल अरेंजमेंट की, थ्री और सिक्स का कॉम्बिनेशन लिया एंड फोर एंड एट का, और उनको ब्रैकेट में भी यूज किया. मीन्स यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करी, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, बिकॉज दीज टू प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इट मेक्स अवर क्वेश्चन वेरी इजी एंड स्मूथ. ठीक है, ये क्वेश्चन को स्मूथ बना देते हैं. अगर हम को चारों को एक साथ करते या कुछ उल्टे पुल्टे कॉम्बिनेशन लेते तो शायद ये क्वेश्चन टफ हो सकता था, बट थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ दिस हमने इसको इजी वे में सॉल्व किया, फाइन. तो यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो कौन सी प्रॉपर्टीज आपने ली है, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी. ठीक, बाय यूजिंग दिस आप ऐसा लिखेंगे, By using this question is in a suitable manner. Same pattern का हम एक और question लेंगे जिससे आप comfortable हो जाए solve करने के लिए. The second question is minus 13 upon 20 plus 11 upon 14 plus माइनस फाइव अपॉन सेवन प्लस सेवन अपॉन टेन.
अगेन हियर वी नीड टू अरेंज. तो फर्स्ट विल ऑब्जर्व द क्वेश्चन. 10 and 20, दिस कॉम्बिनेशन इज नाइस बिकॉज द एलसीएम ऑफ 10 and 20 इज 20. सिमिलरली 7 and 14, दे बोथ कम इन द टेबल ऑफ 14. तो ये भी टर्म का कलेक्शन जो है वो अच्छा कलेक्शन. तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको रीअरेंज करेंगे. अगेन हम यहाँ पर कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी यूज कर रहे हैं. सिमिलरली हम यहाँ पर प्लस माइनस 5/7, ठीक है. अभी हम इसका एलसीएम लेंगे. द एलसीएम ऑफ 20 and 10 इज 20. 20 ones are 20, सो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 13 into 1. 10 twos are 20, सो विल गेट दिस. फाइन, इसको भी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. द एलसीएम ऑफ 7 and 14 इज 14. 14 ones are 14. 7 twos are 14, सो माइनस 5 into 2. यहां पर माइनस है इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में पुट कर दिया था, ठीक है. नाउ माइनस 13 into 1 इज माइनस 13. 14 upon 20 प्लस 11. 5 twos are 10, बट इट इज नेगेटिव, सो इट विल गिव यू -10/14. माइनस 13 plus 14 will give you result 1. Why positive 1? Because 14 has a positive sign. It is greater in these two. Upon 20 plus 11 minus 10 is 1/14. The LCM of 20, now your terms are converted into two terms, two rational numbers, जिनके बीच में हमारे पास क्या है? Plus का sign. अभी हम इनका LCM लेंगे. The LCM of 20 and 14 is 280, ठीक है. 20 14s are 280, सो 1 into 14 प्लस 14 20s are 280. अब सिंपल हो गया है क्वेश्चन. 14 plus 20 upon 280, सो योर फाइनल आंसर इज 34 upon 280. यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं, और इफ इट इज कैंसलिंग देन यू कैन कैंसल एंड सिंप्लीफाई द टर्म. तो इट इज कैंसलिंग बाय 2. 2 17s are 34. फर्दर चेक करेंगे, इसके आगे कट नहीं हो रहा है, सो योर फाइनल आंसर इज दिस. अगेन यहां पर आप कौन सी प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, क्योंकि दो प्रॉपर्टी हमने लगाई एंड अरेंज करके हमने क्वेश्चन को इजी एंड स्मूथ बनाया. फाइन, नाउ अभी तक हमें क्वेश्चन जो है वो रैशनल नंबर्स दिए होते थे और उनके बीच में डेफिनेटली कोई साइन होता था. आइदर सम का क्वेश्चन होता था, सब्ट्रैक्शन का होता था, मल्टीप्लिकेशन या डिविजन का, राइट. नाउ आई एम हैविंग 3 रैशनल नंबर एंड दे वांट कि आप प्रॉपर्टी लगाए एसोसिएटिविटी की. तो क्वेश्चन है, द 3 रैशनल नंबर्स आर 2/3, 5/7, and 1/6. Then apply the associative property. And find the सम मीन्स क्वेश्चन को हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है और सम फाइंड करना है. यहां पर अब हम प्रॉपर्टी अरेंज करेंगे, ठीक है. वी आर हैविंग 3 नंबर्स. प्रॉपर्टी सेज इफ ए प्लस बी प्लस सी एंड द ब्रैकेट प्रॉपर्टी इज लाइक दिस, देन यू कैन ऑल्सो राइट ए प्लस बी प्लस सी एंड ब्रैकेट जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फाइन, इस वे में हमको इस क्वेश्चन को पहले अरेंज करना है. देन वी नीड टू चेक कि ये वेरीफाई भी हो रहा है कि नहीं. प्रॉपर्टी तो हम लगा देंगे, बट LHS एंड RHS दोनों क्या आना चाहिए? इक्वल. तभी तो हम ये कह पाएंगे कि द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अप्लाइंग इन दिस क्वेश्चन. फाइन, तो हम पहले अरेंज कर दें क्वेश्चन को, देन वी विल सॉल्व. -2/3 फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस
5/7 प्लस सी इज थर्ड, ठीक है। आप यहां लिख भी सकते हैं दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, तो आपको और इजी रहेगा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। नाउ -2/3 प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट की जो प्रायोरिटी है वो यहाँ सेकेंड RHS में चेंज हो जाती है। अब हमें इसे भी सॉल्व करना होगा, इसे भी सॉल्व करना होगा एंड दोनों आंसर शुड बी इक्वल, देन ओनली वी कैन से द प्रॉपर्टी इज अप्लाइंग अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS सॉल्व करेंगे। LHS मीन्स इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। नाउ LHS इज दिस प्लस 1/6। अभी हम इसका क्या करेंगे, LCM लेंगे। द LCM ऑफ 3 एंड 7 इज 21, 3 7s are 21, सो वी विल हैव दिस 7 3s are 21 प्लस 1/6। अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो LHS ही कंटिन्यू है, ठीक है। 7 2s are कितना हो जाएगा, -14 प्लस 15 अपॉन 21, ये ब्रैकेट के अंदर का आंसर है, प्लस 1/6 कॉपी किया हमने। अब 15 एंड 14 विल गिव यू 1, पॉजिटिव 1 देंगे बिकॉज द नंबर 15 इज ग्रेटर इन दिस टू टर्म। 21 प्लस 1/6, नाउ विल टेक अगेन LCM, द LCM ऑफ 6 एंड 21 इज 42, दोनों 42 की टेबल में आते हैं, यस। 21 2s आर 42, 6 7s आर 42, 2 + 7/42, फाइनली इट इज 9/42 एंड 9/42 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 3s are 9 एंड 3 14s are 42, सो यूर LHS इज फाइनली 3/14। आफ्टर सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड टर्म आवर आंसर इज 3/14, इसको हम माइंड में रखेंगे। नाउ आई विल सॉल्व द राइट हैंड पार्ट। राइट हैंड पार्ट का आंसर भी अगर 3/14 आया, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज वॉट, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बट वी नीड टू प्रूव द राइट हैंड पार्ट ऑल्सो। तब हम क्या करेंगे, राइट हैंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर रब करके राइट हैंड पार्ट सॉल्व कर देती हूँ। द राइट हैंड पार्ट इज दिस -2/3, दिस इज योर RHS प्लस 5/7 प्लस 1/6, नाउ ब्रैकेट इज हेयर, सो वट विल डू, इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे। फर्स्ट विल सॉल्व द ब्रैकेट बिकॉज बॉडमॉस सेज ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ब्रैकेट। LCM क्या आएगा यहाँ पे, 42, 7 6s are 42, 5 × 6 प्लस 6 7s are 42, -2/3 विल बी एज इट इज, 6 5s are 30 प्लस 7/42, नाउ -2/3 प्लस 37/42, द LCM ऑफ 3 एंड 42 इज 42 बिकॉज दे बोथ कम इन द टेबल ऑफ 42, 3 14s are 42, -2 × 14 प्लस 42 1s are 42, ये हमें मिल गया। सॉरी अब तो हमारा ब्रैकेट हट चुका है, सो नाउ टर्म इज ओपन, इसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। -2 × 14 इज -28 प्लस 37/42, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो इट विल गिव यू 9/42। व्हाई इट इज गिविंग प्लस 9, बिकॉज द ग्रेटर नंबर हैज पॉजिटिव साइन, अगेन इट इज कैंसलिंग बाय 3, सो फाइनली इट इज 3/14, फाइन। LHS हमारा क्या था, 3/14 एंड RHS भी हमारा क्या आ चुका है, 3/14, सो नाउ यू कैन राइट द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव इज अप्लाइंग इन दिस 3 रैशनल नंबर्स, फाइन। LHS एंड RHS आप कॉपी कर दीजिएगा एंड बोथ आर इक्वल। स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन में अप्लाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फाइंड द सम कहा था, इफ द सम इज नॉट मेंशन देन व्हाट यू नीड टू डू,
यहाँ पर आपको इसे प्लस के लिए भी प्रूफ करके दिखाना पड़ता, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। ठीक है, आपको ये कॉम्बिनेशन भी प्रूफ करके दिखाना होता अगर यहाँ पर सम मेंशन नहीं होता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉर प्लस ऑल्सो एंड इज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 5। दिस इज अ प्रॉब्लम सम। सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -5 इफ द वन ऑफ देम इज -13/6। फाइंड द अदर। ठीक है, हमें सम निकालना है कि नहीं दोनों, सॉरी द सम गिवन है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5। लेट्स से दो नंबर हैं हमारे पास, उनको हम प्लस कर रहे हैं, देन इट इज गिविंग रिजल्ट -5। नाउ इफ द वन ऑफ देम इज -13, सो व्हाट विल डू, वन की जगह पर हम कोई एक नंबर की जगह पर क्या रख देंगे, -13/6, एंड फाइंड द अदर। मीन सिंपल लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। फाइन, सो एक नंबर एज्यूम करेंगे, लेट द जो मिसिंग नंबर है मीन्स अदर नंबर बी एक्स, देन वन नंबर इज -13/6 एंड अनदर इज एक्स। उन दोनों रैशनल नंबर को इफ वी आर एडिंग देन वी आर गेटिंग -5 एज ए रिजल्ट। ठीक है, सो नाउ आवर इक्वेशन इज फॉर्म। इसको आप सिंपल अगर समझना चाहें, लाइक द सम ऑफ टू, द सम ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 40, इफ वन इज 22 देन व्हाट विल बी द एज ऑफ द अदर, तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे, 18 बोलेंगे। कैसे, 40 - 22, यही करते हैं हम। व्हाट आई हैव सेड, द सम ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट इज 40, इफ वन इज 22 तो आप अदर निकालते हैं, वो क्या आता है, 18। इन द सेम वे विल सॉल्व दीज रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये सिंपल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स, अब यहां पर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हुए। नाउ वी नीड टू फाइंड एक्स, तो विल कीप एक्स एट द लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज इट इज अ रूल कि जो भी हमें निकालना है उसे हम जनरली कहां ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, -5 विल बी एज इट इज प्लस। अब देखिए ये जो टर्म है ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी। शिफ्ट होने से ये क्या हो जाएगी, क्या करना पड़ेगा हमें, एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/6, यही था हमारा नंबर। जो भी नंबर था उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा बिकॉज इट इज शिफ्टिंग टू द राइट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे वो शिफ्ट हो रही है। ये हो गया, और आप यू भी कह सकते हैं कि पूरी जो टर्म है ये इस तरफ जाके जो भी वहां उसका साइन था, लाइक उधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो राइट हैंड पे शिफ्ट होके प्लस हो जाएगी, इनटू है तो डिवीजन में जाएगी, डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -5 एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज +13/6 बिकॉज इट इज ऑलरेडी नेगेटिव, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/6 इज 13/6। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरी टर्म जो है इसका अपोजिट साइन उधर जाके हो जाएगा, ये यहां पर क्या था -13/6, तो आप डायरेक्टली भी इसे चाहें तो कर सकते थे, एक्स इक्वल्स टू माइनस दिस एंड प्लस दिस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे अगर आपको डायरेक्टली करना है। एंड इफ यू वॉन्ट टू यूज द प्रॉपर्टी एंड यू वॉन्ट टू शो द प्रॉपर्टी, तो आपको ये लिखना होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/6 एंड फाइनली इट विल कन्वर्ट इन टू प्लस। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों की वैल्यू दोनों सेम आएगी,
अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे, द एलसीएम ऑफ 1 एंड 6 इज 6, 1 6 जा 6, तो यहाँ ये आ जाएगा 6 1 जा 6, तो 13 इंटू 1, ठीक है, 6 5 जा 30 प्लस 13 अपॉन 6, 30 एंड 39 सॉल्व करके कितना हो जाएगा, माइनस सॉरी 30 है 13 माइनस 17 अपॉन 6, सो दिस इज योर नंबर जो x हमने अज्यूम किया था, मीन्स योर आंसर इज द मिसिंग नंबर इज दिस, राइट, दिस नंबर शुड बी एडेड टू माइनस 13 बाय 6, देन ओनली वी विल गेट माइनस 5। अब आप चाहें इसे, अभी यहाँ पर हम वेरीफाई तो नहीं करेंगे, बट इफ़ यू वॉन्ट टू वेरीफाई कि हमने सही किया है या नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, माइनस 5, बिकॉज दे हैव क्लियरली सेड इन द क्वेश्चन इफ वन नंबर इज दिस एंड अनदर हमने अज्यूम किया है x, जो कि अब कितना आ चुका है माइनस 17 बाय 6, If x is added to this number, then we'll get the result minus 5. ठीक है? So this is very simple question, but ये आपको carefully solve करना होंगे, because यहाँ पे importance जो है equation form करने की है. Now moving to the another question. Again it is based on the sum of. The sum of two rational number minus 1 by 2 if one of the number is 5 upon 6 find other one. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है तो यहां भी हम सेम लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर जो भी हमें ऐड करना है दैट नंबर इज एक्स. नाउ विल फॉर्म द इक्वेशन, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज इक्वल टू माइनस हाफ, इट इज गिवन, ठीक है, इफ वन नंबर इज 5 बाय 6, लेट से दिस इज 5 बाय 6, फाइंड द अदर, अदर को हमने क्या अज्यूम किया है x, यहां पर आप लिखें लेट द अदर नंबर बी x, ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, x को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे एंड ये वाली टर्म इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगी, यहाँ पर दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल, अदरवाइज ये जो टर्म है इसका एडिटिव इनवर्स इधर जाके होगा, ठीक है, दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ, माइनस वन बाय टू एज इट इज एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 बाय 6, सो माइनस हाफ, additive inverse of 5 by 6 is minus 5 by 6. Now we'll take LCM. 2 3 is a 6 minus 6 1 is a 6. So it is minus 3 minus 5 upon 6. Finally it is minus 8 by 6 and 8 by 6 is cancelled by 2. 2 4 is a 8, 2 3 is a 6. So your final answer is this. This number should be added. Means यहाँ पर हमें sorry, the sum of two numbers दिया है, तो means this number is at the place of x. ठीक है? ये हमारा answer आ गया. तो x जो होगा वो क्या होगा? Minus 4/3. Means the other number is minus 4/3. If we add minus 4/3 and 5/6, then we'll get as a result 1/-1/2. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अब यहां पर आप एडिटिव इनवर्स नहीं अगर करना चाहते तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आया है, इसे जल्दी से आपको सॉल्व करना है, टाइम रिस्ट्रिक्शन है, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस फ्रैक्शन इज इन प्लस, यहां पर ये प्लस के साथ है, इक्वल टू के राइट साइड में जब ये जाएगा
तो इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस, ठीक है, वही सेम है, एडिट इनवर्स लिखना नहीं है बस हमें, ठीक है, और इसको फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमने एक ही जैसे दो क्वेश्चन लिया जिससे आपको इजीली सॉल्व करना आ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर शुड बी एडेड। नाउ इट इज क्वाइट चेंज पैटर्न। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस 5/8 so that sorry as to get -3/2। यहां पर नंबर नहीं दिया है एंड क्वेश्चन है -5/8 में हम क्या ऐड करें, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/8। लेट्स से हम लिखेंगे लेट the number which should be added be x, means जो number हमें add करना है we are assuming it is x, right? अभी हम एक पहले simple question लेंगे, 10 में हम क्या add करें so that we will get 18। सो आपका इमीडिएटली आंसर होगा 8। हाउ यू फाउंड द आंसर, यू हैव सब्ट्रैक्टेड 18 माइनस 10, राइट। 18 में से 10 को आपने इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट किया, वो सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास अंदर मन में आंसर आया 8, तो आपने बोला 10 में हम 8 ऐड करें देन ओनली वी कैन गेट 18, ठीक है। सो व्हाट शुड बी एडेड, 8 शुड बी एडेड टू 10, means हमें ये नंबर फाइंड करना है, राइट। सिमिलर वे में हम इक्वेशन बनाएंगे -5/8 में हम x ऐड करें, लेट्स से द नंबर शुड बी एडेड इज x, देन द रिजल्ट इज -3/2, फाइन। अभी अगेन वही सेम प्रोसीजर, जो निकालना है उसको हम अननोन जो हमारा वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे एंड सारी टर्म जो है हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। अगेन यहां पर मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, इट विल कन्वर्टेड इनटू +5/8 और आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं -2/3/2 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/8 जो +5/8 ही होगा। These two term are equivalent term, ठीक है। Now -3/2 + 5/8, the LCM of 2 and 8 is 8, 2 4s are 8, 8 1s are 8, 4 3s are 12 and 5/8, so your answer is -7/8। This number should be added to -5/8, means in place of x, your answer is this. इन दोनों को जब हम add करेंगे, then only it will give result -3/2. Now, in the question, it is not mentioned verify, but I am solving for you. हमें verify करना आना चाहिए, ठीक है? So, we'll verify ये हमारा verification है. क्या आंसर आया हमारा, -7/8 शुड बी एडेड टू दिस, सो द रिजल्ट शुड बी कितना आना चाहिए, -3/2। तो हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको हम सॉल्व करें, -5/8 + -7/8, द एलसीएम ऑफ दिस इज दिस -5 - 7 - 12/8, ये किसने कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 3 12 4 2 8 -3/2, मींस इसको सॉल्व करने से योर आंसर इज -3/2। तो हम आंसर हमारा वेरीफाई हो गया, इस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं था बट स्टिल आप वेरीफाई करके चेक करिए जिससे गलत होने की कोई गुंजाइश ही ना रहे, ठीक है।